सो गाइस, आजकल आप सुनते आ रहे हैं कि ऑनर के फ़ोन पर आपको मिल रहा है जीपीयू टर्बो। तो आपके मन पर एक सवाल आया कि ये जीपीयू टर्बो क्या है और ये कैसे हमारे फ़ोन पर वर्क करता है और इससे हमारे क्या मदद होने वाला है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। और सो गाइस, देखते हैं क्या है जीपीयू टर्बो और क्या है इसका यूज़ हमारे फ़ोन पर। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि जीपीयू टर्बो क्या होता है। ये जो जीपीयू टर्बो है, आप सोच रहे होंगे कि जीपीयू टर्बो एक हार्डवेयर होगा या नहीं तो कोई एक प्रोसेसर की तरह चिप होगा, पर ये कोई हार्डवेयर या कोई भी चिप नहीं है। ये एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है ये आपके फ़ोन पर कैसे आएगा, ये आपको सिंपली सॉफ्टवेयर के अपडेट के थ्रू आपके पास पहुँच जाएगा। पर यह सिर्फ ऑनर और हुआवे के फ़ोन पर आप सबको मिलती है, ना ही कोई और एक फ़ोन पर, सिर्फ ऑनर और हुआवे के फ़ोन पर। आप बताएंगे अब इसका क्या यूज़ है। अभी तो ये हमारे फ़ोन पर आएगा, पर इसका यूज़ क्या है। ये जो जीपीयू टर्बो है जो ऑनर ने हमें दिया था अपने ऑनर के प्लैक के साथ, उन्होंने बताया था कि इससे हमारा 60% से ज़्यादा हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाएगा। पहले से मुताबिक जब भी हम कोई भी गेम खेलेंगे, गेम खेलने के बाद हमारा जो परफॉर्मेंस होगा गेमिंग का वो 60% से ज़्यादा होगा। 60% से ज़्यादा हमें एक गेमिंग पर अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और 30% से ज़्यादा भी गेम को खेलेंगे, हमारा जो हार्डवेयर होगा, जो हमारा जो प्रोसेसर होगा, वो उस पर इतना दबाव नहीं देगा। तो उस पर दबाव नहीं पड़ने से क्या होगा कि हमारा जो बैटरी होगा वो भी कम एग्जॉस्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो बैटरी 30% से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और 60% से ज़्यादा हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाएगा। और 30% हमारा बैटरी लाइफ भी अच्छा हो जाएगा, बैटरी का सेविंग्स भी अच्छा हो जाएगा। ये तो ठीक है, पर आप बोलेंगे इसका यूज़ क्या। इसका यूज़ है, फॉर एग्जांपल मान लेते अगर आप कोई भी गेम खेलते, जैसे कि मान लीजिए आप पबजी खेल रहे, तो पबजी खेलने के बाद अगर आप एक वीडियो गेम खेलते तो आप देखते होंगे कि ये जो गेम है एक वीडियो की तरह ही चलता है। आप सबको पता है गेम जो होता है एक वीडियो की तरह चलता है, वीडियो की तरह चलता है। जिससे कि मान लीजिए अगर कोई भी आप गेमिंग खेल रहे, जैसे कि कोई भी कार रेस खेल रहे या कोई भी कार ड्राइव कर रहे, तो खेलने के बाद आप देखेंगे वो जो कार है वो एक तरह से वीडियो जब चल रहा है तो वीडियो चलने जैसा ही चल रहा है। तो उस वक्त हमें लगता है कि एकदम से वीडियो की तरह चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि वीडियो गेम है, वीडियो की तरह ही चलेगा। पर अचानक से क्या हो जाता है कि आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा स्लो होने लगता है, और स्लो होने के बाद क्या होता है आपका जो गेमिंग है धीरे थोड़ा से रुक रुक कर चल रहा है, रुक रुक कर चल रहा है। मतलब ये जो गेम है, ये जो वीडियो है, रुक रुक कर चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम समझते हैं कि हमारा जो गेम है वो एकदम से रुक रुक के चल रहा है। तो इसी वक्त ये जो जीपीयू टर्बो है ये कैसे वर्क करता है कि मान लेते अगर हमारा जो गेमिंग है, जब गेम खेलते हैं वो वीडियो FPS से मापा जाता है। FPS का मतलब है फ्रेम पर सेकेंड। ये जो गेम आता है, हमारा जो फ्रेम आता है, हम जो वीडियो गेम खेलते हैं वो एकदम से फ्रेम की तरह आता है। फ्रेम की तरह मतलब अगर कोई एक फास्ट फ्रेम हुआ, जब आप कार पर उठे हैं, सेकेंड फ्रेम पर आप गाड़ी को चला रहे, तीसरे फ्रेम पर आप कार को फुल स्पीड पर चला रहे, तो इसी तरह जो फ्रेम है ये आते रहते, बदलते रहते हैं। तो इससे हम बोलते हैं FPS, फ्रेम पर सेकेंड। तो इससे क्या हो कि अगर मान लेते हैं आपका फ़ोन पर आप जितना देर वीडियो गेम खेल रहे हैं आपका जो फ्रेम है वो लगभग सिर्फ चेंज होता रहता है, क्योंकि आप और एक एक्शन के बाद और एक एक्शन करें, इस एक्शन के बाद और एक एक्शन करें, उससे क्या होगा फ्रेम होगा और सिर्फ चेंज होते रहेंगे। तो चेंज होते रहने से आपका जो फ्रेम है कभी कभी डाउन भी हो सकता है। तो जब आपका जो फ्रेम डाउन होगा उससे आपका जो गेम होगा वो भी थोड़ा सा स्लो चलने लगेगा। तो तब हम सोचेंगे जो गेम है थोड़ा सा स्लो चल रहा है और जो गेमिंग का जो कार है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो तब फ्रेम होता है जीपीयू टर्बो क्या करता है कि उस फ्रेम को रियूज़ करता है। मतलब मान लेते हैं अगर आपका फर्स्ट फ्रेम पर आप कार पर उठे हैं, दूसरे फ्रेम पर आप चला रहे और तीसरे फ्रेम पर आप फुल स्पीड पर है, और जो तीसरे फ्रेम है उसे फिर से आप रियूज़ करेंगे, और जो फ्रेम होगा तीसरे फ्रेम को हम फिर से रियूज़ करेंगे, तो जो फास्ट फ्रेम होगा उसे भी फिर से रियूज़ करेंगे। तो इसी तरह इसे रियूज़ करने से क्या होगा कि हमारा जो बैटरी है वो भी बचता रहेगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा होता रहेगा। इस ए है जीपीयू टर्बो का मतलब, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ क्या करते हैं कि हमारे जो फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम पर सेकेंड जिस गेम को हम खेलते हैं वो फ्रेम जो होता है उसे सिर्फ रियूज़ करता है। अगर एक फ्रेम पर आपने गाड़ी पर आपने उठा, वो फ्रेम फिर से आप रियूज़ करेंगे, तो उस फ्रेम को फिर से रियूज़ करने से क्या होगा आपका जो हार्डवेयर होगा उसे भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। आप उस फ्रेम को फिर से रियूज़ करें, CPU और GPU दोनों एक साथ काम करेंगे, और जो जिस फास्ट जो उस फ्रेम को गया फिर से उसे यूज़ करेंगे, दूसरा फ्रेम को फिर से यूज़ करेंगे। तो इसी तरह हमें कोई भी अपना नुकसान नहीं हो रहा, हमारा पावर नहीं जा रहा, हम जिस फास्ट फ्रेम को यूज़ करें उसे फिर से यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पावर भी बच रहा है,
बैटरी भी बच रहा है। इसी तरह ये फुल्ली जीपीयू टर्बो काम करता है। अरे जो जीपीयू टर्बो है ये सिर्फ ऑनर और हुआवे के फोन पर है। अभी एक फोन लॉन्च हुआ जो है ऑनर का 10 लाइट, उस पर भी आपको जीपीयू 2.0 मिल रहा है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ऑनर के फोन पर मिल रहा है, हुआवे और ऑनर के फोन पर मिल रहा है। अभी जो अचानक से एक हो जाए कि सैमसंग भी लॉन्च कर दे, नोकिया भी लॉन्च कर दे, इसी तरह सभी फोन लॉन्च करेंगे कि जिससे यह होगा कि हमारा जो फोन है वो भी अच्छा चलेगा, हमारी जो बैटरी है भी वो भी बचेगा, उससे क्या कि हमारे फोन को इतना अच्छा नुकसान नहीं जाएगा। तो इसीलिए अभी सिर्फ हुआवे और ऑनर के फोन पर यूज हो रहा है। तो फ्यूचर पर देखते हैं किस किस फोन यूज़ करते हैं इसी जीपीयू टर्बो को। यूज़ करने से फ़ोन का बहुत अच्छा है, हमारा भी टाइम बहुत अच्छा बचेगा, हमें भी लैग का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस मैं वीडियो को इधर ही अंत करता हूँ। मुझे आशा है पूरी तरह सबको समझ में आया है ये जीपीयू टर्बो क्या है और इसका क्या यूज़ है। अगर आपको ज़बरदस्त सुझाव हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं एक जरूर से वीडियो बना दूंगा। और वीडियो पसंद आने पर बिल्कुल जरूर से लाइक करेगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ और नई वीडियो के साथ। अभी लाइक सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।